न्यूजीलैंड से पहला वनडे हारने के बावजूद बरकरार है भारत का नंबर एक का ताज, तो वहीं न्यूजीलैंड के जीतने से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में पाकिस्तान को लगा है करारा झटका। जहां एक नतीजे से बदला है वर्ल्ड कप सुपर लीग के स्टैंडिंग्स में भारी फेरबदल हो चुका है। तो आखिर कैसे हारने के बावजूद नहीं हुआ हिंदुस्तान को कोई नुकसान, तो कैसे बिना मुकाबले खेले ही पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई मुश्किलें, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। अगले साल 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए चल रही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के स्टैंडिंग्स में हर एक मुकाबले के बाद टीमों की पोजीशन और अंकों में उलट फेर देखने को मिल रहा है। उधर न्यूजीलैंड के खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबानों ने इंडियन टीम को पहले वनडे में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है। तो वहीं श्रीलंका ने अपने ही घर में अफगानिस्तान के हाथों हार कर खुद का नुकसान करवा लिया है। आपको बता दें, अगले साल भारत में होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के लिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में हर एक मुकाबले की अहमियत काफी ज्यादा है। इसी वजह से भले ही ऑकलैंड में मुकाबला भारत ने गंवाया, लेकिन नुकसान यहां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उठाना पड़ गया है। दरअसल पहले वनडे में भारत के खिलाफ प्रभावशाली जीत हासिल करने के बाद न्यूजीलैंड ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में 10 अंक हासिल कर लिए हैं और अब पॉइंट्स टेबल में केन एंड कंपनी ने छठे से छलांग लगाकर चौथे पोजीशन पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड के 16 मुकाबले में 12 जीत के साथ 120 अंक हो गए हैं। उधर बिना कोई मुकाबला खेले पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में 5वें से खिसक कर 6ठे पायदान पर आ गया है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट के मेजबान होने के कारण आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। बावजूद इसके ऑकलैंड में न्यूजीलैंड से हारने के बाद भी टीम इंडिया अभी भी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बरकरार है। 19 मुकाबलों में 13 जीत और 6 हार के बाद 129 अंकों के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल में शिखर पर बनी हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 125 अंकों के साथ इंग्लैंड, तो वहीं तीसरे और चौथे पर 120 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विराजमान है। वहीं इतने ही अंकों के साथ बांग्लादेश 5वें और पाकिस्तान 6ठे पायदान पर नेट ऑन रेट के चलते आगे पीछे खड़ी है। वहीं पर बीते दिनों श्रीलंका में अपना पहला द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेल रही अफगानिस्तान ने पहले ही वनडे में श्रीलंका को धूल चटाकर इस अंक तालिका में वेस्टइंडीज और श्रीलंका जैसी टीमों को भी पीछे छोड़ा हुआ है। 13 में से 11 जीत और 110 अंकों के साथ अफगानिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है और वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करने की कगार पर खड़ी है। वहीं 24 मुकाबलों में सिर्फ 9 जीत और 88 अंकों के साथ 8वें पर वेस्टइंडीज की टीम है, जबकि 9वें पर आयरलैंड, 10वें पर श्रीलंका और सरप्राइजिंगली 11वें पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। और इन तीनों ही टीमों पर वर्ल्ड कप के दौरान क्वालिफिकेशन मुकाबले खेलने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल में टॉप 8 टीमों को सीधे वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, जबकि बाकी टीमों को 5 एसोसिएट टीमों के साथ मिलकर वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलना होगा। उसमें से सिर्फ 2 टीमों को ही वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। ऐसे में सभी टीमों के लिए बचे हुए वनडे मुकाबलों के मायने बढ़ जाएंगे और मेजबान भारत छोड़कर बाकी बचे 7 स्थानों के लिए अच्छी टसल देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि फिलहाल टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले खेल रही है, जिसमें 1-0 से भारत पिछड़ रहा है। ऐसे में वापसी के लिए अगला मुकाबला जीतने के अलावा भारत के पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। उधर न्यूजीलैंड अपना अगला मुकाबला जीतकर न केवल सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी, बल्कि CWCSL की अंक तालिका में न्यूजीलैंड सीधे 4थे से छलांग लगाकर टॉप पर पहुंच जाएगा। यानी मुकाबला जीतने से ही भारत न केवल सीरीज बराबर कर पाएगा, बल्कि वर्ल्ड कप सुपर लीग में अपनी बात शायद भी बरकरार रखने में कामयाब होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वापसी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक क्रिकेट इन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।